अंकिता मामले में बीजेपी ने आरोपों की झड़ी लगा दी है। बीजेपी का आरोप है कि अंकिता को जिंदा जलाकर मारने के आरोपी शाहरुख का पीएफआई कनेक्शन है। एनआईए जांच की मांग कर रही। क्या दुमका की बेटी के कातिल का है पीएफआई कनेक्शन? क्या बांग्लादेशी आतंकी संगठन से प्रेरित था शाहरुख? अंकिता हत्याकांड में बीजेपी का बड़ा आरोप। झारखंड की नाबालिग छात्रा अंकिता को जलाकर मारने के केस में बीजेपी ने आरोपों की झड़ी लगा दी है। बीजेपी ने अंकिता के गुनहगारों का पीएफआई कनेक्शन बताते हुए पूरे मामले की जांच एनआईए को सौंपने की मांग की है। इसकी भूमिका कहीं राष्ट्र विरोधी शक्तियों के साथ तो नहीं है? वहां पर पीएफआई लगातार इस ढंग से काम करने का काम कर रही है, और जो छोटू है दूसरा अपराधी है, उनका संबंध पीएफआई से तो नहीं है? इसलिए पूरे जांच एनआईए से होनी चाहिए। इसी लाइन पर झारखंड के सीनियर बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने भी कल ट्वीट किया। अपने ट्वीट संदेश में मरांडी ने आरोप लगाया, अंकिता का कातिल शाहरुख और उसके दोस्त मोहम्मद नदीम आतंकी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला से प्रेरित था। यही संगठन बांग्लादेश में ब्लॉगर की हत्या का भी कसूरवार था। भारतीय उपमहाद्वीप में अंसारुल्लाह बांग्ला टीम अलकायदा का फ्रंट ग्रुप है। अंसारुल्लाह बांग्ला गैर मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाता है और उन्हें इस्लाम में धर्मांतरण कराना इसका मोडस ऑपरेंडी है। फिर कह रहा हूं, वहां उस संथाल पैगाना में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसको मैंने बैंड किया था, ये सरकार में छूट है। और आपने देखा रांची के दंगे में, वहां भी नाम आया। झारखंड के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता लुईस मरांडी ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि झारखंड में इस तरह की लगातार हो रही वारदात से पीएफआई की सक्रियता के सबूत हैं। वर्तमान समय में जो अभी हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार चल रहा है, इस तरह का संगठन काफी सक्रिय हो गया है। और सक्रियता का प्रमाणिकता ये है कि जगह जगह पर कई घटनाएं सामने आया है, और अगर अनुसंधान के क्रम में विषय आती है तो कहीं ना कहीं आ रही है कि ये पीएफआई से ये लोग संबंधित लोग हैं। पीएफआई को लेकर वैसे ही बीजेपी लगातार मुखर रही है। जाहिर है अब एनआईए जांच की मांग जोर पकड़ेगी। इस बीच इस मामले में एक नया खुलासा हुआ है। आरोप है कि अंकिता को जलाने से 5 दिन पहले शाहरुख ने अंकिता के घर पर तोड़फोड़ की थी। बाद में शाहरुख के भाई सलमान ने माफी मांगकर मामले को शांत कराया था। अंकिता के मृत्यु के कांड में यहां पर नए तथ्य उभर कर आ रहे हैं। जब हमने यहां के लोगों से बातचीत की और जानने के बारे में कोशिश की कि आखिर माजरा क्या है, बहुत सारे लोगों ने ये दावा किया जो अंकिता के घर के इर्द गिर्द रहते हैं कि कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले, इस कांड के 4-5 दिन पहले अंकिता के घर शाहरुख आया था और उसने तोड़फोड़ भी की थी। इससे पहले अंकिता केस में कल 10 सदस्यीय टीम ने मौका वारदात का मुआयना किया। इस टीम में सीआईडी अधिकारियों के अलावा फॉरेंसिक एक्सपर्ट और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट भी शामिल थे। जो फर्दव्यान है, लड़की ने फर्दव्यान दिया, फर्दव्यान एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, रेगुलर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डॉक्टर, नर्स एवं उनके पिता स्वतंत्र साक्षी के समक्ष दी। उसके बाद तुरंत अरेस्टिंग कर लिया गया एक्यूज का, जो कि प्राथमिक एक्यूज नाम था, और उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। उधर झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए अंकिता मर्डर केस में झारखंड सरकार के गृह सचिव और पुलिस प्रमुख डीजीपी को अदालत में तलब किया है। मृत्युंजय तिवारी के साथ सूर्याग्नि रॉय, दुमका, आज तक।